जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर अकेला हो गया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। ये जो लाइनें मैंने बोली हैं ये एक बेटी पर बनी हुई हैं। कहते हैं घर बेटियों से होता है, बेटियां घर में ना हो तो घर की रौनक चली जाती है। जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता के आंसू रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, एक बेटी को पैदा किया, उसे पढ़ाया, उसे पाला पोसा और फिर उसे एक दिन विदा कर दिया। ये तो माता पिता का कलेजा होता है जो अपनी जो बेटी को पैदा करते हैं और फिर पराए घर भेज देते हैं। लेकिन उन माता पिता का क्या जिनकी बेटी को पैदा हुए सिर्फ 28 साल हुए हैं और सिर्फ वो बेटी इस दुनिया से इसलिए रुखसत ले जाती है क्योंकि उसके साथ दरिंदगी लोग कर देते हैं। आज भी जिस तरह से हमारे देश में बच्चियों के साथ गंदी घटनाएं सामने आ रही हैं वो वाकई सोचने पर बहुत मजबूर करती हैं। मैं अलीगढ़ की घटना की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश का एक नामी शहर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहाँ पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिससे शहर की पहचान है, और भी चीज़ें हैं जिससे शहर की पहचान है। लेकिन जिस तरह से अलीगढ़ से एक घटना सामने आई, 28 साल की एक बच्ची के साथ रेप कर दिया, वजह क्या थी? सिर्फ पैसा। झगड़ा किससे था? रिश्तेदार से। बदला किससे लिया? एक बच्ची से। सोचिए, साइको हैं या फिर दिमाग से ये लोग सोच नहीं पाते हैं। एक कांड हुआ था, निर्भया कांड, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उसके बाद से बहुत से कांड सामने आए, बहुत सी चीज़ें आईं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी एक गैंग रेप हुआ। आप खुद सोचिए किस तरह से वो माँ बाप जीते होंगे जिनकी बेटियों के साथ इस तरह हो जाता है। पहले हम लड़कियों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनके कपड़े ऐसे हैं, उनका पहनावा ऐसा है, रात में घूमती हैं, अनगिनत बातें, तमाम तरह की बातें, संस्कार, तमीज, बहुत सी बातें करते हैं हम लड़कियों के लिए। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? लड़कों को भी सिखाना चाहिए। हम कहते तो हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन शायद हमारी सोच बराबर होने नहीं देती है। हम लड़कियों पर बहुत जल्दी तोहमत लगाते हैं, लड़की पढ़ लिख गई है, लड़की इसलिए बिगड़ गई है, माता पिता ने बाहर भेज दिया है इसलिए लड़की बिगड़ गई है, लड़की ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। पर पता, लोगों की सोच, मानसिकता, और जब आपकी मानसिकता गंदी हो तो हर चीज़ गंदी ही सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये, लड़की, चलिए वो तो जवान है, बच्ची में क्या है? 28 साल की बच्ची जिसकी खेलने खाने की उम्र है, जिसको पैदा हुए ही 28 साल हुए, उस बच्ची के साथ रेप, बहुत ही दुखद घटना है। और जिस बच्ची के, जिस माँ बाप की बच्ची के साथ ऐसा होता होगा, उन माँ बाप से पूछना कैसे उनका कलेजा धधक जाता होगा। शायद वो जब तक जिंदा रहेंगे वो इसी दुख से दो चार होते रहेंगे। अलीगढ़ में जो घटना सामने आई है उस पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। दोनों ही नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, दोनों ने ही इसको बहुत ही जघन्य घटना बताया है। अनुपम खेर ने भी दुख व्यक्त किया है, मालिनी अवस्थी ने भी दुख व्यक्त किया है, वहीं एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी दुख व्यक्त किया है। दुख तो सभी व्यक्त करते हैं, जाहिर सी बात है, संजीदा मसला है। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? हम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा किसी से झगड़ा है तो हम उस झगड़े को जिससे है उससे निपटाएं, इसमें बच्ची का क्या कसूर? लेकिन बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार कर देते हैं, सोचने वाली बात है। बहुत ही दुख देती है इस तरह की घटना, इस तरह की तमाम घटना होती हैं। बीते साल जब कठुआ गैंगरेप का जिक्र हुआ था, पूरा देश दहल उठा था, मीडिया से लेकर हर जगह वाद विवाद बहस थी। आज ये घटना हुई, मीडिया खामोश है। बस कहाँ मीडिया में चल रहा है, कौन सा मीडिया दिखा रहा है, कौन सा मीडिया डिबेट लेकर बैठा है? मीडिया का भी इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं गलत है। मोदी सरकार ने फैसला लिया बीते साल जब कठुआ कांड पे ज़्यादा बहस बढ़ गई,
कि अगर बच्चों के साथ रेप किया, 12 साल से छोटी बच्चों के साथ, तो उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाएगी, मौत की सजा। अगर ऐसा पहले होता तो शायद निर्भया कांड का वो आरोपी आज जिंदा नहीं होता जो खुद को जुवेनाइल बताता है। जाहिर सी बात है, किसी भी माता पिता को दुख होगा। मैं आपको NCERB के आंकड़े बताऊंगी कि किस तरह से हमारे देश की में देश जिस तरह से विकास की गति पर बढ़ रहा है, वैसे रेप भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, 2012 में 8,541 बच्चियों के साथ रेप हुआ, 2016 में 19,765 बच्चियों के साथ रेप हुआ। NCERB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार हर एक घंटे में 4 रेप होते हैं और 14 मिनट में रेप की घटना सामने आती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इस एक्ट के तहत पिछले साल मोदी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, जो नियम चल रहा था उस नियम को खारिज किया और नया नियम लेकर आए। इस नियम के अनुसार 12 साल तक के मासूमों से रेप पर अपराधियों को सजा मिलेगी। नया नियम था कम से कम 20 साल और फांसी की सजा अधिकतम। 13 से 16 साल तक की बच्ची के साथ रेप करने वालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम से अधिकतम सजा उम्र कैद होगी। ये पुराना नियम था, माफी चाहूंगी मैं, पुराना नियम था, नया नियम था 20 साल और अधिकतम उम्र कैद। लेकिन सोचने वाली बात यह कि हम किसी को सजा भी दे दें, हमने आज तक नहीं सुना किसी रेप के कांड के गुनाहगार को एकदम बदजिले की मौत दी गई, तड़पा तड़पा के मारा गया। हम उससे इंसानियत क्यों दिखाते हैं जब वो बच्ची और महिलाओं के साथ इंसानियत नहीं दिखा सकता? ये हमें सोचने वाली बात है। ऐसे बहुत ही कम केस होंगे या ना के बराबर होंगे जहां पर रेप के आरोपी को ऐसी सजा दी गई हो कि अगर कोई सुने तो उसे खुशी हो जाए। शायद नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। और जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, रोज घटनाएं होती हैं मीडिया में, घटनाएं तो पता नहीं अनगिनत घटनाएं हमारे देश में होती होंगी, मीडिया में तो कुछ ही घटनाएं आती हैं। जिस तरह से पैसे को लेकर सिर्फ एक बच्ची को उसका रेप कर दिया गया, वाकई बहुत सोचने वाली बात है। हम किस देश में जी रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या हम सब मिलकर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं जिस तरह की सोच पर विराम लग सके? ऐसे गुनाहगारों को ऐसा काम करने से पहले 50 बार सोचना पड़ जाए, किसी की बेटी को हाथ लगाने से पहले उन लोगों को उनके हाथ थर थर काँपने लगे। सरकार का डर होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा समाज बनाना चाहिए, ऐसी सोच ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि लड़की रात के 12 बजे भी निकल सके। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, अब तो बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और हम क्या कहते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस तरह बचेंगी बेटियां, इस तरह पढ़ेंगी बेटियां, जहां पर बच्चियों को ही नहीं बख्शा जा रहा है, हद हो गई है। 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप, बहुत सोचने वाली निंदनीय घटना है ये, निंदनीय, बहुत ही ज्यादा निंदनीय। और हम उस माँ बाप के दुख का आकलन नहीं कर सकते हैं जिसकी बेटी के साथ ये हुआ। एक माँ का बच्चा जब मरता है तो माँ की रूह कांप जाती है। जाहिर सी बात है, 9 महीने कोख में रखना और फिर उसको पैदा करना आसान नहीं होता। एक पिता जो अपने बच्चे को पालने के लिए ना पसीना देखता है, ना धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ठंड देखता है, सिर्फ देखता है अपना परिवार, और लेकिन क्या मिलता है? हमारे यहाँ कहा जाता है कानून में विश्वास रखो। आपने अनगिनत फिल्में देखी होंगी जिसमें किस तरह से लोग शिकार हो जाते हैं, कानून उनकी नहीं सुनता, पुलिस उनकी नहीं सुनती, फिर वो कानून को ही हाथ में लेने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी के और के साथ ना हो। इसी तरह से कुछ गुंडे बनते हैं, कुछ अपराधी बनते हैं, वो क्राइम की दुनिया में उनका नाम हो जाता है। खैर, अलीगढ़ में जिस तरह से ये बात सामने आई, ये जिस तरह से
कहा जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर रासुका लगाया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि जो बालिका का पिता है वो घटना के खुलासे से खुश नहीं है। और जिस तरह से बॉलीवुड की टिप्पणी आ रही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर आयुष्मान खुराना, करीना कपूर, स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी, सबके सब ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि टीम बना दी गई है, टीम बनेगी, मसला कोर्ट में जाएगा, बहुत सी बातें होंगी, गुनाहगार को सजा भी शायद मिल जाए, मिलनी भी चाहिए, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है सरेआम रोड पे खड़ा करके फांसी देनी चाहिए, ताकि कम से कम ऐसे इंसान किसी बच्ची के साथ या महिला के साथ या किसी भी पराई औरत के साथ गलत काम करने से पहले 50 बार सोचे। फिलहाल दुख है मुझे कि इस तरह से हमारे देश में हो रहा है। फिलहाल अपडेट यही थी कि रासुका लगाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बहुत सोचने वाली विषय, बहुत सोचने वाला ये विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। कन्या पूजन होता है हमारे देश में, संस्कृति संस्कार की बातें की जाती हैं हमारे देश में, लेकिन इस मसले पर संस्कृति संस्कार सब चले जाते हैं। आज ये घटना घटी है, 2 दिन लोग दुख मनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। मैं कुछ कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है, समाज की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। नमस्कार।